हाँ क्या हे भैया वेलकम टू एपिसोड ऑफ गंजी स्वैग मैं तो इंट्रो ही भूल गया था अपने जहन में इट्स बिन सो लॉन्ग एंड आई हमली अपॉलोजाइज बडवियसली देवर रीजन दैट वर अनडेबल पहले तो जहर आपको पता है फेब में मैं गेम शो कर रहा था सो आई वॉज हेविली इन्वेस्टेड इन दैट नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑलसो इमोशनली एंड फिजिकली फिर उसके बाद उसके बाद मैं कहाँ यू के चला गया था हाँ माई सन्स बर्थडे तो वहाँ पर भी मैं ज़रा इतना कुछ नहीं कर पाया वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू द फैमिली इवन दो चौदह दिन में से दसवें दिन वॉज द फर्स्ट डे जिसमें मैं काम नहीं कर रहा था तो वो चल रहा था फिर उसके बाद अभी गेम शो का रिलीज फिर पॉलिटिकल जो चल रहा है सिचुएशन हर एक अनसर्टिनिटी की हवा होती है तो फिर दिमाग नहीं कहीं सर्टन नहीं हो रहा होता फिर ऑब्वियसली द शिफ्ट दिस इज़ द न्यू एक्सक्यूज मी दिस इज़ द न्यू ऑफिस एवरी थिंग गोइंग फाइन ओवर देयर बट लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने जनवरी में टीम एक्सपैंड कर दी थी एंड ऑब्वियसली वो ऑफिस हमें छोटा पड़ रहा था तो वी वॉन्ट टू मूव टू अ बिगर स्पेस बिकॉज आई हैव मच मोर आइडियाज़ स्वैग बिजनेस को और एक्सपैंड करना है इन शह आई शेयर सम गुड न्यूज़ वेरी वेरी सुन अभी तो हम रीशेपिंग uh, मोड uh, पे चल रहे हैं जो अभी तो इस, इस, इस दफ़ा सॉरी अगर मैं लंबी कर रहा हूँ सो uh, so इस बार जो है पहले क्या था जो मेर, मेरा तो मेरा स्टूडियो था मेरा ऑफिस भी वही था तो वहीं खाना पीना भी चल रहा है वहीं दोस्त यार भी आ रहे हैं वहीं मीटिंग्स भी हो रही है वहीं स्टूडियो भी हो रहा है स्टूडियो हमेशा अलग होना चाहिए सो इस बार हमने बड़ी स्पेस ली स्टूडियो बराबर वाले कमरे में वो बन रहा है उसमें मज़ीद दो हफ़्ते लगेंगे ये मेरा ऑफिस है अब चाहे जाहिर है जब तक वो नहीं बन रहा तो मैं आपको और फर्दर डिले नहीं कर सकता था और पहले फ़िलहाल आज यहीं से शुरू कर लेते हैं तो इट्स बिन अ वाइल्ड एंड सॉरी अबाउट आई नो आप में से बहुत सारे लोग इन uh, एपिसोड्स का वेट करते हैं इसकी एक अल, अलग कल्ट फॉलोइंग है पचासी हज़ार ही से ही लेकिन है तो बहुत ज़बरदस्त और आप घंटों घंटों सुनते हैं सो आई एम ग्लैड और इस दौरान काफ़ी ई मेल्स भी हैं आई वॉज दो वर्किंग ऑन द ई मेल्स मैं उनको फ़िल्टर आउट कर ही रहा था जहाँ जहाँ टाइम मिल मिलता था प्लेन में टाइम मिल गया इधर उधर जहाँ कुछ और नहीं कर सकते सो so, या yeah. बाकी एक इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन पे टी डॉट कॉम से एच स्वैग और फेसबुक सपोर्टर के साथ साथ नाउ आई हैव एडेड वन मोर फीचर यू कैन आल्सो डू दैट ऑन ईजी पैस एंड जैस कैश क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि वी वांट टू सपोर्ट वी बी डोंट अ क्रेडिट कार्ड तो अभी आपके लिए मैंने सबसे आसान कर दिया है तो इस नंबर इस नंबर पर फोन नहीं कीजिएगा ये सिम नहीं डली हुई ये फ्लाइट मोड पर रहता है आ, ये सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए नंबर है इसका और कोई काम नहीं है बट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार इट हेल्प्स इट हेल्प्स अस फाइनेंस ये ये माइक ये भाई ये, ये इतना महंगा है ना ये फ्रेमवर्क का ये जो रोगन ने भी लगाया होता तो ज़रा अंदाजा कर लें ओके okay, चलते सवाल की तरफ पहला सवाल है उसकी हेडिंग है आई एम नॉट सो हैप्पी और आई माई बींग टू अनग्रेटफुल डियर जुनीत भाई होप यू डूइंग वेल आई केम अक्रॉस योर पॉडकास्ट अ फ्यू मंथ्स बैक एंड आई लिसनिंग टू सम ऑफ द लिसोड्स ऑन एंड ऑफ इन द कार ड्यूरिंग माई कम्यूट टू वर्क ये मुझे बहुत फीडबैक मिलता है बहुत सारे लोग ये लंबी लंबी एपिसोड्स जाहिर है ये पैसिव लिसनिंग होती है तो या तो दफ्तर आते जाते खासतौर पर जो बाहर रहते हैं उनकी कम्यूट लंबी होती है या फिर खातन किचन का काम मतलब बर्तन वर्तन धुल रहे हैं हंडियाँ चढ़ी हुई और एयरपोर्ट्स लगे हुए और एपिसोड चल रही है विच इज़ ग्रेट आई मीन इट सर्वस द पर्पज राइट मुझे देख के क्या ही करना है लिसनिंग टू योर शोज इट मेड मी रियलाइज देट देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स दैट आई कॉन्ट इवन इमेजिन एंड आई रियली फील हैप्पी दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू गिव दम एडवाइस विच इज़ अ जेनुअन एंड जज विच इज़ जेनुन एंड जजमेंट फ्री दिस इज़ अ सेफ जोन नो जजमेंट जोन हम कोई जज नहीं करते पीपल कैन भी ओपन अबाउट दम सेल्व हाउ एवर आई ऑलवेज मैंशन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल दिस इज़ ओनली कमिंग फ्राम इज इस जस्ट अ पीस ऑफ ओपिनियन एंड एडवाइस जो कि मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में सही है ठीक है आई वुड टू सी योर ओपिनियन रिगार्डिंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ आई एम ट्वेंटी नाइन अबाउट टू बी थर्टी सोन आईव बिन मैरिड फॉर टू ईर्स विद द लविंग्स एंड सपोर्टिंग वाइफ एंड आई ऑल्सो हैव अ लिटल गर्ल हुज टू मंथ्स ओल्ड My parents live outside Karachi in interior sin. My mother, my father is about to retire in two years. I'm a mechanical engineer by profession and I've been working in FMCG, MNC and local sector since graduation. Saath um, saal My job pays me well enough. I have worked in two companies five, five and a half years in the first one. And now I have moved to Karachi after switching jobs in January, 2020. Initially, I used to like my job. Now I feel like it's getting to me now i work 6 days a week and almost 11 to 12 hours a day 1 hour each way commute included oh god so i have vacation days allocated but my job load makes it hard for me to take a vacation i'm not able to give time to my family and friends second secondly i also feel i don't want to be that corporate person in the future having a big position who works like a robot and doesn't have much time for the family. Therefore, now I have started to not like my job and I want to quit it and maybe start my own business or switch fields. For business, I have no experience in handling one and neither does anyone in my family or close friends. To detach my from my current job, I have started a data analytics course from Google and I'm halfway through hoping to start a freelancing career through it. But I don't know if I'm going to earn as much as I do right now. I want to basically achieve two goals. One is that I want financial freedom by working for myself or to set up a business. Secondly, I want to spend more time with my family, including my parents. I want to be able to give more time to my little girl when she's growing up and teach her values. I want to spend more time with my parents also. Am I being too ungrateful uh, to my job? I'm so confused right now and I'm struggling to cope with it. How do I get out of this situation, at least make it somewhat better? Hoping to hear from you soon. Thank you so much. और एक क्वेश्चन ये फीलिंग लोगों को अक्सर लेट थर्टीज़ में आती है बिकॉज़ हर चीज़ ओके होती है बट देन लाइक देर मिसिंग द इट फैक्टर दी एक्स फैक्टर आपको ट्वेंटी नाइन में आ गई विच इज़ फाइन सो एक साहब हैं अच्छी जॉब है मल्टर नेशनल में काम करते हैं बीवी है दो महीने की बेटी है पेरेंट्स अ, कराची से बाहर रहते हैं और बारह घंटे काम रोज़ाना करते हैं एक घंटा आना एक घंटा जाना और छः दिन काम है तो वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली आउट है इट्स सो सैड यही एम जो हैं बाहर मुल्कों में आप पाँच बजे के बाद ई करो फ्रांस में तो सीधा केस ठोक देती है मगर यहाँ पे दे एक्सप्लॉयड बिकॉज दे नो यहाँ पे कोई वर्कर्स कॉम्पनसेशन नहीं है यूनियनाइजेशन नहीं है कोई आप कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं है तो फिर आप वो को, आपको एक्सप्लॉयड बहुत करते हैं एंड आई गेट एंड आई एंड आई सी lot ऑफ my फ्रेंड्स जो बेचारे ये वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और एक संडे मिलता है उनको और वो संडे मकैनिक के यहाँ गुजर जाता है साइलेंसर सही करा रहे हैं बाइक का या सर्विस कराने लग गए या कार वॉश के लिए गए तो आधा दिन तो वहीं गुज़र गया तो वो फैमिली के लिए कोई टाइम रहता नहीं है रिसेंटली uh, सो uh, so, ये चीज़ें आप कंपनीज uh, को ख़ुद एहसास होना चाहिए लेकिन अगर ना भी हो तो इट शुड बी वॉइसड आउट फॉर एग्जांपल आई हैव अ टीम ठीक है अच्छा मेरी यहाँ पे कोई फैमिली ऑब्लिगेशन एज सच नहीं है मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड हूँ मैं बस घर सोने जाता हूँ मीन माई पेरेंट्स आर देयर आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम बट लाइक वो वाला नहीं है कि हमने साथ बैठ के खाना खाना है या हमने कहीं डाइन आउट पे जाना है वगैरह वगैरह आई I मीन mean, वो माई माई अदर ब्रदर डज इट तो वो मैं इतना वो नहीं करता एंड ऑब्वियसली माई 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 वाइफ एंड किड्स आर नॉट हेयर तो मेरी कोई इतनी ख़ास ऑब्लिगेशन नहीं तो मैं तो सात दिन यहाँ बैठा रहता हूँ तो उसमें हुआ ये कि बिकॉज आई डोंट फील इट दैट डज मीन कि दूसरों का ये हिसाब किताब नहीं है सो माई टीम हैड रेज अ कंसर्न कि वो छः दिन हम यहाँ करते हैं वी वर्क सिक्स डेज अ वीक हेयर तो सातवें दिन मकैनिक यहाँ गुजर जाता है तो मुझे ऑब्वियसली ख्याल है क्योंकि इस चीज़ से मैं गुज़रता था कोई दस साल पहले जब मेरे पास बाइक थी इट्स बिन अ वाइल्ड तो चूँकि वो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाली बात है सो आई अंडरस्टुड देर कंसर्न एंड आई इमिडिएटली सेट के वी कैन वी कैन इधर डू लाइक ऑल्टरनेट वीकेंड्स या समथिंग ऑफ दैट सॉट ताकि वो क्वेश्चन मिले बिकॉज दैट दैट इज़ एब्सोलूटली ट्रू संडे का दिन सो के उठो तो चार बज गए अगर तो वो दिन ही ख़त्म हो जाता और फिर अगले दिन फिर काम पे आओ सो दैट कुड बी वेरी कम्बडसम रही बात कि मैं जॉब छोड़ दूँ देखें आपकी आप अकेले होते तो ये रिस्क लेते अभी आपके पर डिपेंडेंट्स हैं बचे बच्ची, बच्ची है बीवी है पेरेंट्स हैं फादर आपके रिटायर होने वाले हैं जो अब बिज़नेस के एक्सपीरियंस नहीं है और फैमिली में भी किसी को नहीं है देखिए कुछ फैमिलीज़ होती हैं बड़ी बिजनेस ओरिएंटेड आपने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा अपनी फैमिली में देखा होगा कुछ फैमिलीज़ होती हैं जैसे कि मेरी फैमिली सारे जॉब ओरिएंटेड सब ने नौकरियाँ ही की हैं ज़िंदगी भर और जिसने थोड़ा बहुत कारोबार करने की कोशिश की तो वो इतना वो नहीं हो सकता आई थिंक आई एम प्रोबेबली दी ओनली पर्सन हु सेल्फ एम्प्लॉयड इन माई होल खानदान आई मीन एज़ फार एज़ आई कैन सी ददयाल में अम्मी के कुछ हैं उनका अपना काम है बट लाइक वो तो जनरेशनल काम है बट लाइक जो हमारी एज एज ग्रुप है आई एम दी ओनली वन हु सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज वो कुछ ख़ानदानों की ट्रेड्स होती हैं कुछ बिज़नेस माइंडेड हो, खानदान होते तो, अब जैसे आपने अगर आपने ख़ुद कभी भी नहीं किया ना आपके आसपास किसी ने किया तो दैट कुड बी वेरी रिस्की बिकॉज अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पे 11-12 घंटे देने पड़ते हैं तो बिज़नेस में 24 घंटे देने पड़ते हैं और सात दिन देने पड़ते हैं तो ये भी माइंड में रखिएगा बिज़नेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है फोर आवर्स अ डे और थ्री डेज अ वीक वाला सिस्टम uh, चल रहा है दैट वुड रिक्वायर यू टू इवन टू बी प्रेजेंट इवन मोर बिकॉज सारा स्टे की आपका है अभी क्या है आपने टाइम दिया घड़ी देखी क्लॉक आउट किया निकल गए एम एन संभाल ली अभी जब आपकी अपनी एम चल रही होगी ना तो फिर ब्रो सोने का कोई सीन नहीं है तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखना बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉर्ड ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आई आई समटाइम्स विश के आई मीन लाइक नो आई एन्जॉय द पर्कस मैं ये नहीं कहूँगा किंप्लेन दैट आई हैव अ बिजनेस आई एम आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई वेक अप आई अपनेट मेरा ड्रीम ही यही था तो सो um, so ये देख लेना ठीक है ना अगर टाइम इज़ योर कंसर्न दूसरा जॉब लेना यू वॉन्ट स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली अब वो वर्क लाइफ बैलेंस आप उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन अ जॉब और बिजनेस में भी कर सकते दैट दैट इज़ अपू यू कि आप प्रायरिटाइज़ किस तरह करते हैं चीज़ों को uh, एक और चीज़ हाँ रही बात इनकम की केफ यू मेकिंग गुड मनी देखें वो कहते हैं ना वी पे अवज प्राइस फॉर बींग कम्फर्टेबल फॉर चूजिंग टू बी कम्फर्टेबल तो अभी तो आपको सैलरी ठीक है सिक्स फिगर्स में होगी माशा तो वो आपका जो ड्रीम है ना उस, उसको बाई आउट कर रही है वो वो वो, वो सैलरी वो कहते ना यू ट्रेड योर सैलरी यूर ड्रीम्स विद द सैलरी दैट द चूज़ टू गिव यू तो वो एक सीन है मगर आपने अपने आप को फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग करना है टू बी एबल टू इफ़ यू रिस्क समथिंग एंड अल्लाह ना करे इफ़ इट डजेंट वर्क आउट तो आप बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं हो इधर इधर के ना रहे ना उधर के रहे ये सिचुएशन नहीं आने देनी यू हैव टू सिक्योर इनफ टू बी एबल टू इन्वेस्ट से ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर सेविंग्स एंड देन यू हैव सेवेंटी फ़ाइव परसेंट टू फॉल बैक ऑन और एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट टू फॉल बैक ऑन इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट तो सारी किश्तियाँ जला के तो वो भी मैं कभी भी नहीं कहूँगा मैं हमेशा सबको एडवाइस करता हूँ इट्स नॉट इज ईजियर सेट दैन डन जस्ट बिकॉज इट वर्क फॉर मी ड मीन इट वर्क फॉर एवरी वन सो आई हैड अ पैशन दिस वॉज द पैशन बट देन आई हैड अ जॉब एंड द पैशन वॉज इन पेइंग मच बट आई केप्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन माई पैशन ऑफिस के बाद आके वीडियोज़ बनाना ये करना एडिट करना वगैरह वगैरह स्लोली 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 पोर्टफोलियो बिल्ड किया जब यहाँ से पैसे आने लगे तो फिर यहाँ से भी आ रहे थे तो डोअल इनकम हो गई मज़ा आने लगा फिर जब इसकी इनकम ज़्यादा हो गई और इसकी कम हो गई तो फिर मैंने स्विच मार लिया वंस आई वंस आई न्यू फॉर श्योर इट्स कॉन अ वर्कआउट सो लेट्स से 2015 में मैं फुल टाइम वीडियोस बनाने लग गया बना रहा तो मैं बारह से रहा था बट बीच में गैप बहुत थे सेवेंटीन में आके मैंने ये डिसीजन लिया लाइक like, दो साल मुझे फिर भी लगे दो साल मैंने फिर भी जॉब की तो फॉरन uh, स्विच नहीं मारना होता आपने अगर बिजनेस करना भी है फर्स्ट लर्न द ट्रेड फर्स्ट नो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है क्या चीज़ बेच सकते हो सेकेंड अंडरस्टैंड मार्केट को क्या चाहिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वाट द मार्केट वांट्स यू मे हैव द बेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड बट अगर आप सोमालिया में कर रहे हो तो दैन वोट्स द पॉइंट वहाँ पे अगर एक चीज़ रेलिवेंट नहीं है सो द रेलिवेंसी ऑफ योर आइडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद जो है ना स्लोली बिल्ड योर ब्रांड ऑन द साइड वाइल कीपिंग योर जॉब आई नोट इट कॉन बी वेरी टफ बट यार ब्रो लाइफ में कोई चीज़ आसान है ही नहीं एंड दिस इज़ लाइक बिग रिस्क बिग रिस्क वो कहते हैं ना यू गाट यू गाट अ इट टू टू गेट द बिस्किट तो अगर बड़ा बिस्किट खाना है तो रिस्किट भी बड़ा करना पड़ेगा तो प्रिपेयर योअर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ आउटकम्स थिंग्स कैन गो ईद द वे ठीक है एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली बट ये आई मीन दिस इज हाउ इट इज़ आई मीन इवन आई वॉन्ट टू स्पेंड मोस्ट टाइम विद माई विद माई किड बट बट लाइक द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट एंड द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉन्ट फॉर माई फैमिली रिक्वायर्स मी टू बी लाइक बी सेपरेटेड फॉर अ अल ये कुर्बानियाँ बापों को देनी ही पड़ती हैं इन मोस्ट केसेज ऑफकोर्स माओ को भी सो इट इज व इट इज़ मैन आई मीन हू डजन वॉन्ट आई मीन आट आई मीन आई वुड रेड एनी थिंग टू बी विद माई कैड राइट नाउ बट हेयर आई एम आंसरिंग क्वेश्चन सोया बट लाइक दिस विल इन्श्योर दैट सो आई गेट टू सी हिम मोर ऑफन आई कैन सो नॉट अबाउट मीट्स जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ बिजनेस करना है ज़रूर करें बट वर्क योर थिंग्स आउट लाइक बहुत फाइन ट्यून करके ओवरऑल तो बड़ा अच्छा लगता है यार क्रिप्टो में डाल देते ये निकल आएगा लेकिन उसमें भी, भी बड़ी जैसे चीज़ें देखनी होती हैं रेस्टोरेंट खोलना है चलो हाँ यार फलाने के चिप्स बड़े बिक रहे हैं मैं भी बना लेता हूँ बट लाइक डू यू नो हाउ टू मेक देम डू यू नो हाउ टू मार्केट इट डू यू नो हाउ टू पैकेज इट डू यू नो हाउ टू ब्रांड इट बहुत सारी चीज़ें देखती हैं और फिर जब आप दुकान खोलने पर आओगे तो फिर आपने अच्छा भत्ता भी देना होता चाहे पुलिस को भी भत्ता देना है आपने जो है किसी बदमाश को भी देना है आपने गवर्नमेंट को भी देना है दस हज़ार मसले हैं सो लाइक डू ए होमवर्क लाइक थर अ होम वर्क थरों किस्म का उसके बाद कोई फैसला करना ऐसा ना हो कि वहाँ से भी जाओ और यहाँ से भी जाओ यू हैव अ गर्ल तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो जो भी डिसीशन लो सोच समझ के लो आपकी सोच गलत नहीं है ना ही आपकी वांटिंग गलत है बट ये कि ट्रांजिशन uh, जो है ना ट्रांजिशन कैन भी वेरी ट्रिकी और ट्रांजिशन सब के लिए वर्कआउट नहीं भी करती अगेन नॉट डिस्करेजिंग दि ओनली वन वे टू फाइंड आउट तो मैं तो कहता हूँ रिस्क बंदा ले ही ले जिंदगी में एवेंचुअली क्योंकि फिर सारी जिंदगी होता आ रहा अगर मैं ये कर लेता मैं ठीक है चार लाख सैलरी आ रही थी लेकिन अगर मैं बिज़नेस कर लेता आज महीने के दस लाख आ रहे होते यू you नो know, कुछ भी हो सकता है तो इवेंचुअली रिस्क ले लेना बट लाइक बी वेरी वेरी कैलकुलेटेड अबाउट इट ठीक है थैंक यू और नेक्स्ट वन सेज़ पर्सनल फीलिंग और पेरेंट्स चॉइस साल गुजनीत भाई एम ट्वेंटी वन एयर लिविंग इन पाकिस्तान आई एम हाफ वे थ्रू माई एल एल बन आई एम रियली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आम दी ओल्डेस्ट अब अमग माई सिबलिंग्स द पर्पज ऑफ दिस ई मेल इज़ टू आज फॉर एडवाइस रिगार्डिंग माई फ्यूचर मैरिज अब बेटा अभी इक्कीस के हो कहाँ शादियों में पढ़ लो सिंस आई वॉज ट्व अ गर्ल वॉज बॉर्न इन माई अंकल्स हाउस एंड सिंस देन माई मदर हैज़बिंड टेलिंग मी दैट आई वुड गेट मैरिड टू वर्ल्ड लाइक हाउ कैन पीपल लुक एट एन इन्फेंट एंड बी लाइक कि इससे तेरी शादी होनी है हाउ डू पीपल डू दैट कि एक बच्ची पैदा हुई है और अपने बारह सालों के बेटे को देखा तेरा विवाह ऐने नाल होना है वो उसको हगने का ही नहीं पता खाना कब है क्या करना है यार ये दिस इज़ लाइक आई मीन मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा बट दिस इज अजीब किस्म का पीडोफिलिया, आई मीन सिंस हैज ओके हर ओनली, आई डो नॉट लाइक हर एंड आई वॉन्ट टू मैरी आफ्टर आई ग्रेजुएट विच विल बी इन टू पॉइंट फाइव ईयर्स एंड दैट वुडेंट बी पॉसिबल एज शी इज़ जस्ट नाइन ईयर्स ओल्ड ओ गॉड for the last 9 or 10 years i didn't say anything to my mother as i was avoiding to give my consent and i was also not willing to hurt my mother's feelings it was until recently that i told my mother that i have someone else in my mind who is also my cousin but the daughter for another uncle of another i have liked her for a long time now she likes me back i am deeply in love with her and i don't want to lose her as there are also rishtas coming for her my mother keeps on telling me that we have already agreed with my other uncle but i have never agreed plus i don't

For him to cast a spell or a tawiz in order to make me lose my emotional attachment with the girl I like. I'm not the only one in my family that has this problem. Love marriages barely occur in our family, and people look down on couples that have had love marriages. Or people believe that love marriages are cursed, and if one doesn't get married based on the choice of their parents, there will be no barkat in their relationship and they won't be happy in the future. That is absolute bullshit. ये कज़न मैरिज करा करा के ना हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है आपके सामने ये ठीक है ना तो ये बिल्कुल बकवास बात है कि बरकत नहीं होगी ये नहीं होगा वो नहीं होगा आप एक इंसान हो आपके पास फ्री चॉइस है आपको जो है ना आपका दीन भी ये इजाज़त देता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देती है आप तो एल एल भी कर रहा है भाई तो वकील है तुम्हें यही नहीं पता तो कानून इस बात की पूरी इजाजत देता है और ये सिर्फ मनगढ़त बातें ऐसे कोई नहीं बट मैं आपको ये कहूँगा अभी आप इक्कीस के हो क्या नौ नौ साल की लड़कियाँ के रिश्ते आ रहे हैं आपको खुदा को मानो थोड़ा कानून ज़रा घर वालों को भी सिखाओ कि भाई किस दुनिया में रहते हो और ये सेवियर कॉम्प्लेक्स निकालो कि वो कोई लड़की जो आपको पसंद है कज़न दूसरी वो गरीब है तो आप अपने बड़े से घर में ले आएंगे और अबू की गवर्नमेंट जॉब अच्छी है अबू की जॉब पर शादियाँ करोगे क्या अपने बलबूते पे करो अभी पहले पढ़ाई वढ़ाई करो शादियों का सोचते रहना और अपने पेरेंट्स से दो टोक बात करो आपकी ज़िंदगी का सवाल है वरना ये नौ साल की लड़की कल तेरह साल की हो जाएगी आपको पकड़ा देंगे तो कानूनन जुर्म है भाई ये तो डोंट नो मैन कि कैसी फैमिलीज़ हैं यार आज के दौर में भी इस तरह की फैमिलीज़ हैं शादी का भी सोचो नहीं पढ़ाई पर ध्यान दो और एल वगैरह करो अच्छी तरह और ये तावीज़ गंडों के चक्करों में ना पढ़ो भाई ये अजीब बकवास चीज़ है और राइट नेक्स्ट वन घर ख़रीदें या फ्लैट साल को जुनेद भाई होप यू डूइंग वेल आई हैव फाइव किड्स माय एज स्टडी वन इकतीस साल में आपके पांच बच्चे हैं सो ज्यूमिंग आपकी शादी इक्कीस साल में हुई आप हर दो साल में आपके एक एडिशन हो रहा है हैव यू हर्ड ऑफ फैमिली प्लानिंग और अभी जो आपने सवाल किया घर ख़रीदें या फ्लैट आप बड़ा अच्छा घर ख़रीद सकते थे अगर दो बच्चे होते बट आपने यू चोज टू हैव फाइव ओके आई हैव मास्टर्स इन जोलोजी फ्रॉम के यू ससुराल में घर की विरासत से हिस्सा मिल रहा है तकरीबन पच्चीस लाख रुपए. थोड़ी बहुत जमा पूंजी और जेवर ऐड करके भी मैक्स टोटल तीस लाख हो जाएंगे कोई घर ढूंढ रहे हैं साठ और इवन चालीस ही चालीस गज़ का खंडर घर मिल रहे हैं दो रूम्स के उसमें भी पानी नहीं लोड शेडिंग फ्लैट फिर भी कदरे बेहतर हैं एक तरफ सबके मशवरे के चाहे चालीस गज़ का ही ले लो अपनी ज़मीन अपनी छत तो होगी दूसरी तरफ वो घर इतना कम मांग रहे हैं इतना कम मांग रहे हैं माहौल ऐसा है कि बच्चा कुचा लिविंग स्टैंडर्ड भी बिल्कुल गिर जाएगा छोटे बच्चों के साथ घर के काम करवाना क्या अलग अजाब तो बहन ये पहले सोचना था ना बच्चे इतने सारे हुए जा रहे हैं मतलब बंदा हिसाब किताब देख लेता है खैर समझ नहीं आ रहा साठ अस्सी गज़ का खंडर लें और लिविंग स्टैंडर्ड्स और हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें ओनली अपनी छत अपनी ज़मीन की खातिर या थोड़ा बजट एक्सपेंड करके पंद्रह बीस लाख लोन ले लें और कदरे फर्निश्ड फ्लैट ले लें लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं की ओर लाइक नॉट सरप्राइज आई एम नॉट सरप्राइज टू नो दैट सॉरी बस फ्लो में चलती रही जिंदगी अरे भाई ये फ्लो जरा ना ये कुछ ज़्यादा ही आउट फ्लो है शोर को बताएँ बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में सस्ती उदाग मतलब रहम अपने ऊपर रहम करें अपनी सेहत पे रहम करें अपनी औलाद पे रहम करें सोचे इस बारे में आप माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ आपने जोलॉजी का कराची यूनिवर्सिटी से प्लीज़ सास क्या नंदे नंद सास सांस भी नहीं लेने देती स्टार्ट में तो कुछ और सोचती और मैं बिल्कुल बेवकूफ़ थी कोई डिसीजन तक लेने से घबराती थी दो साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है उससे दैट्स गुड इससे पहले तक तो फाइनेंशियल्स के बारे में भी नहीं सोचा ना कोई मालूम हासिल की तीन सौ डॉलर भी नहीं बने आज तक पर मंथ एक साल से एडसेंस इनकम सेव कर रही हूँ अब जाके दो ढाई लाख जमा हुए हैं एक बेटा है और चार बेटियाँ हैं हबीबी भी मास्टर्स हैं इन मैथ हबी को बोलो थोड़ा अपना मैथ सही कर लें अपना डोंट मैंशन अच्छा आगे उन्होंने लिखा हुआ है चालीस हज़ार सैलरी है यार अब आप ख़ुद बताएं चालीस हज़ार सैलरी पे आपने पाँच बच्चे किए हैं आपकी एड सेंट से बन नहीं रही है रकम क्यों नहीं सोचते आप लोग इस बारे में तो क्यों मतलब जो दो बच्चों को आप अच्छा लाइफ दे सकते थे मतलब एक का बाब है दो बच्चों में अच्छा बटेगा या पाँच में अच्छा बटेगा दो में कम से कम आधी आधी भूख मिट जाएगी पांच में किसी की भूख भी नहीं जाएगी चालीस हज़ार सैलरी चालीस हज़ार में क्या आता है मेरी बहन चौंतीस हज़ार का तो हम मैं मेरा भाई भाभी मेरा एक टाइम का खाना तो होता ही बाहर है ठीक है एक टाइम का घर पे खाना खाता हूँ छोटे भाई का भी हिसाब है बस भाभी अम्मी अब्बू अब्बू मेरे सतहत्तर साल के माशाल्लाह अम्मी मेरी सत्तर टच कर रही हैं कितना ही खा लेते होंगे ठीक है ना उस पर जो है ना हमारा ग्रोसरी चली जाती है तीस हज़ार ऐसा ही है भाई और अभी तो मैं गोश्त चिकन की बात ही नहीं कर रहा ये दाल आटा घी तेल इसी में बात कर रहा हूँ मैं तो चालीस हज़ार रुपये अभी फिर आपके बच्चों की फ़ीस भी आएगी कपड़े भी आएंगे ईद त्यौहार भी आएगा चैनल इसलिए स्टार्ट किया कि सेविंग हो जाए कुछ शादी के स्टार्ट में ट्यूशन और हैंडमेड आइटम से छोटा मोटा अर्न करती थी जो बिला वजह खर्च कर दिए हालांकि मैं फ़जूल ख़र्च क्या हाँ मैं फजूल ख़र्च नहीं हूँ बस फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी अभी बिल्कुल मेरी तरह हैं हम दोनों दूसरों के डिसीशन पर रिलाई करते हैं बचपन से अबे बचपन से हबी को कौन जानता है अच्छा आपकी शायद होगी आप थोड़ी अकल आई है चलें यार अभी या भी आ गई अच्छी बात है हबी कहते हैं अब अभी यार हबी क्यों लिखती है यार अब हस्बैंड लिख दे शोहर लिख दे हबी <laughs> भाई वो एक पेज था बड़ा अच्छा पेज था मेरी अम्मी और मेरी सारी आंटियाँ वो फॉलो करती हैं प्यारे नबी की बातें उसमें आती हैं भाई हदीसें आ गई ये कोई सुन्नत आ गई या कोई अकवाल जरिया आ गई अच्छी बातें प्यारे नबी की बातें उस पर किसी ने बना दिया प्यारे हबी की बातें उसमें हस्बैंड वाइफ के जोक्स आ रहे तो ये हबी समझ वहीं से चढ़ हो गई है हबी कहते अपनी अपनी जमीन ही ले 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 लो चाहे खंडर क्यों ना हो मैं कहती हूँ अच्छे इलाके में थोड़ा लोन और ऐड करके फर्नीश फ्लैट ले लें अच्छा ये तो शुरू वाली बात दोबारा करिए अभी ससुराल के घर में रहते हैं दो रूम्स हैं टोटल कोई लाउंज भी नहीं किचन में मैंने ख़ुद स्लैब टाइल्स लगा के काबिल इस्तेमाल बनाया बाथरूम में लिटरली मैं आइस क्लोज कर लेती हूँ या ऊपर देखती हूँ ताकि ख़राब वॉल्स पर नज़र ना पड़े और दिल खराब ना हो हर साल पेंट करा लेती हूँ ख़ुद ही बच्चों को नहलाने और ब्रश कराते वक्त कराहियत होती है यानी कि बुरा फील होता है आ, स्टिचिंग भी सब किड्स की खुद करती हूँ इवन के हेयर कट भी सब खुद कर लेती हूँ पार्लर तो बिफोर मैरिज आदत नहीं तक जाने की कपड़े सिर्फ ईद पे बनाती हूँ हब, हब, बनाते हैं हबी और मी सब सिचुएशंस ने हर काम खुद करना सिखा दिया लास्ट दो डिलीवरीज भी घर पे खुद अकेले कर अबे भाई आखिरी दो डिलीवरीज भी घर पे कर ली भाई बड़ी जेंगो फैमिली है आपकी भाई भाई खुदा के वास्ते कोई ब्लड लॉस हो जाए कोई कोई ब्रीच प्रेगनेंसी हो जाए कोई लास्ट मोमेंट ज़िंदगी मौत का मामला आपको क्या लगता है अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है कुछ हो हुआ जाए शोर तो गए हुए होंगे पढ़ाने बच्चों कौन संभालेगा कैसे लोग यार मतलब रहते बहुत इनस्पॉन्सिबल घर पे खुद अकेले कर ली अबे अकेले कैसे डिलीवरी हो जाती है अबे कुछ जेब से थोड़ी बिस्किट निकाल के दे दिया भाई बात पूरा अबे भाई जान जोकों का गेम है भाई आपकी लगता है प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी और क्या बोलूँ मैं असल में बहुत फुलफिल्ड फील करती हूँ सेपरेट पोर्शन में रहती हूँ जो दिल चाहे जब दिल चाहे जागती हूँ सोती हूँ खाती पीती हूँ ऐश करती हूँ सच में हर सिचुएशन में खुश रहना भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है बट अब बात अब मैं बट अब मैं कहती हूँ कि अगले घर में मैं इस तरह के सिचुएशंस में नहीं रहना चाहती मैं लाइफ अपग्रेड करना चाहती हूँ घर से बाहर जाके जॉब करना मुझे बहुत मुश्किल जाहिर है भाई पीछे बच्चे कौन देखेगा इतने सारे मोहल्ले वाले संभालेंगे क्या सास वास पे मत रहना घर में रहते हुए अर्न करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ चैनल के साथ साथ हैंडमेड आइटम्स भी सेल करती हूँ ऑल अर्निंग सेव करती हूँ अबे बार बार घुमा के एक ही बात कर रही हैं आप यूट्यूब अर्निंग से एक सूट आज तक नहीं लिया हबी को एक साठ गज़ का घर पसंद आया है कहते हैं रेंट पे चढ़ा देते हैं बाय करके और हम किसी अच्छे फ्लैट पे ख़ुद रेंट पे रह लेते हैं मेरा ये ख्याल है कि किसी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट ले लेते हैं और कहीं रेंट पे रहते हुए प्लॉट पे मी अपनी पसंद का घर स्लो स्लो बनवा लेते हैं मगर अगेन ये सर दर्द तो बहुत है और यूट्यूब के अलावा कोई थर्ड इनकम सोर्स नहीं है कोशिश करती रहती हूँ सोर्सेज बढ़ाने की बट बेबीज़ को वक्त देना होता है कुछ काम आउटसोर्स भी किए हैं घर के मगर किड्स की तरबियत तो आउटसोर्स नहीं की जा सकती माशाल्लाह ऑल माय किड्स आर वेल मैनर्ड हम दोनों की फ़र्स्ट प्रायरिटी उनकी अच्छी तरबियत है स्टार्ट से अल्लाह सब बच्चों को माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाए आमीर आप कोई मशवरा दें भाई घर के बारे में आपकी बहन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहन नाराजमा तो ना अभी तक जितनी मैंने बातें बोली लेकिन देखो ये चीज़ें पहले प्लान करने की होती हैं अभी देखो यही आपके पास चलो ठीक है अब जो हो गया आगे की बात करते हैं ना अभी क्या बार बार मैं बात बोलूँ घर खरीदें या फ्लैट अभी डिपेंड करता है आप ले कर रहे हैं भाई हमेशा जो है ना अपना घर ही अपनी ज़मीन अपनी छत यही ओके होता है कोई चिल, चिल कोई चिक चिक नहीं आप ये देख रही हैं पिछले ढाई सालों से अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं ये तीसरा मेरा स्टूडियो है शिफ्टिंग शिफ्टिंग में जो है ना दस बीस लाख रुपए लग जाता है आप बोलेंगे ऐसा क्या शिफ्ट करें हमें स्टूडियो बाकायदा बनाना पड़ता है बड़े खर्चे का काम होता है आपको लगता है भाई माइक खोला शुरू हो गए ये लाइटें वाइटें ये बड़ा खर्चे का काम होता है वजह दोनों जगह मालिक मकान ऊपर था मालिक मकान ऊपर तो चें चे पै पे ये क्यों आ रहा है ये क्यों जा रहा है पानी क्यों नहीं आया गेट क्यों खोल दिया लड़की क्यों आई रात को नौ बजे दस हज़ार हमारा भाई मीडिया का काम है हर बंदा आता जाता रहता है और हमारे कोई आवर्स नहीं होते एनी वे तो चिलचिल विलविल होती है और फ्लैटों में तो बहुत ही इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं अगेन डिपेंड करता है फ़्लैट कौन सा है बट देन नोइंग कराची कहीं भी ले लें भाई वो अजीब ही होते हैं फ्लैट वाले सिस्टम फिर जो है ना फ्लैट में होगा क्या कि वो ज़ाहिर है अगर आप एक लिमिटेड इनकम से फ़्लैट ख़रीदेंगी वो अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी अव्वल तो खुदा ना खासा नस्ला टावर ही ना निकल आए आप तो सारी एन लेके घर ख़रीद लो गे पता चले जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला गिरावज उसको बाहर सड़क यूँ जा रही है हली वली सड़क आ गए लोग देखा नहीं कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ उससे तो ये तो बड़ा रिस्क है दूसरा भाई ये कि ऊपर वालों का गटर टपकेगा वो बोलेंगे हम तो नहीं बना रहे बाथरूम अब आपके घर में गटर का पानी गिर रहा है फिर आपको पैसे दे उसका बाथरूम बनवाना पड़ेगा फ्लैटों में इतने मसले मसाइल हैं लिफ्ट नहीं चल रही मेनटेनेंस लेना पूरा आ रहे हैं कचरा नहीं उठा रहे बच्चे शोर कर रहे हैं कॉरिडोर में आ रहे हैं भाग रहे हैं ये वगैरह ठीक है अच्छे से अच्छे फ्लैटों का बुरा हाल है दूसरा ये कि अपना घर अपना घर होता है बट फिर ये कि वो फिर जाहिर है जो आपके लिमिटेड बजट है कौन से मोहल्ले में मिलेगा अब अपना घर अपनी छत तो कर ली अगर की ही आपने ऐसे इलाके में जहाँ पे बाहर बच्चे सिरिंज लगा रहे हैं या नंगे फिर रहे हैं या वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है कोई ग्राउंड ही नहीं है स्ट्रीट लाइट ही नहीं जलती छीना झपटी बहुत होती है तो क्या फ़ायदा ऐसे अपने घर का जहाँ का माहौल इतना ख़राब हो के बच्चे नशों में लगें गलत कंपनी में बैठें समझ नहीं आप तो अब ये सिचुएशन है साठ गज़ अस्सी गज़ बाकी आपका वो जो प्लान है कि हम रेंट पे रह लेते हैं और नहीं कि आप एक घर ख़रीद के वो रेंट पे चढ़ा के और ख़ुद फ्लैट में रेंट पे ले रह लें तो ये घिचबिच करने वाली बात है फजूल की कि फ़ॉर एग्जांपल आपने जौहर में फ़्लैट ले लिया और ज़मीन आपकी औरंगी टाउन में वहाँ घर लिया औरंगी टाउन में किराए पर चढ़ाया अब वो किराए वाले से आप हर महीने का ना वो झगड़ा एक अलग है किराया आ रहा है नहीं आ रहा ये मसला वो मसला फिर आपका मसला अलग चल रहा है अपने मालिक मकान से समझ ऐसे ही है ना भाई गिच पिच भाई देखे मैंने मेरा ये लब लबाव है इस मुल्क में मैं मैंने जो है ना अड़तीस साल गुजार लिए तो मेरा लब्ब लबाब ये है जितने कम से कम लोगों से आपका इंटरेक्शन हो ना आपके एक दिन में सुबह की मॉर्निंग से शाम की इवनिंग तक जितने कम लोगों से आपका सामना हो ना आपकी ज़िंदगी सुकून में जहाँ आगे पीछे आपके मामला फंसे ना कहीं बैंक में जाना है कहीं सौदा लेना है पड़ोसी ये वो वो फिर आपको टेंशन ही देगा तो भाई इतनी टेंशनें ना पालें कि उधर का किराया अलग आ रहा है उधर का अलग आ रहा है वो उसमें आप फंसे ही रहेंगे सुकून की ज़िंदगी जीएँ लाइफ अपग्रेड करना आपका बिल्कुल हक है और मैं आपकी वो बिल बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वो जो बाथरूम की दीवारें वो जो चूना टूटा हुआ होता है और वो गंदा लगता है वो ज़ाहिर है वो वो हमने भी देखी हैं ऐसी दीवारें भाई बचपन में तो वो आपकी कराहियत में बिल्कुल समझ सकता हूँ अपग्रेड करना सबका हक हाँ है यूट्यूब पे अपने मेहनत करें अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम और अच्छी कर लें शोर को बोलो थोड़ा हाथ पैर चला लें चालीस हज़ार से भाई खुदा के वास्ते एक बंदा नहीं जीत सकता या सात बंदे कैसे ज़िंदा रहे समझ से बाहर है समझ रहे हैं फिर ज़ाहिर उन्होंने अम्मी को भी देना होता होगा को कोई ना कोई खर्चा वर्चा ईद की ईद आप सूट बना रहे हैं ऐसी तो ज़िंदगी नहीं गुजारनी ना आपने भी मास्टर्स किया हुआ है माशाल्लाह कोई अच्छी लाइफ आपने प्रोजेक्ट की होगी ना कि जो दिल किया ले लिया ईद की ईद सूट बनाना ये तो तो अपने आप को ज़रा इनेबल करें आप पढ़ी लिखिए माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है जोलॉजी में कोई ट्यूशन व्यूशन दे दें दे, अब तो जूम पे क्लासें हो जाती हैं मोबाइल पे दे दें दे, जूम की क्लासें कितनी स्टूडेंट्स होंगी कुछ कर लें कोई अपना लेवल अप करें और कोशिश करें कि सस्ता ख़राब इलाके में घर लेने से थोड़ा और सह लें पैसे और जोड़ लें थोड़ा बेहतर इलाका देख लें मेरा मशवरा आपको ये होगा होगा मशवरा घर का ही होगा फ्लैट में बड़े झमेले हैं बड़े मसले मसाइल हैं कमेटी वाले नीचे बुला रहे हैं उवलानी हमारी बाइक के आगे तुम्हारी गाड़ी क्यों खड़ी हो गई तुम्हारे बच्चे ने उसको कंचा मार दिया आँख पे अब अब दस हज़ार मसलें फ्लैटों से दूर ही रहो ठीक है अपना घर करें लेकिन थोड़ा और बढ़ा लें ये जो आपने लिखा है चालीस साठ साठ लाख में क्या आता है भाई साठ लाख में कुछ भी नहीं आता आएगा मंगूपीर वंगूपीर में आएगा वहाँ जाएंगी क्या बच्चों को ले नो डिसरिस्पेक्ट मतलब कुछ इलाकों में ज़रा मसले मसाइल हैं सड़कें नहीं है ड्रग्स का इशू है रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलती छीना झपटी बहुत है सिक्योरिटी का इशू है चोरी डकीती का बड़ा इशू है तो ऐसे तो नहीं जिंदा रहना थोड़ा अपना स्केल अप कर लें थोड़े आर्ट सेंस और बढ़ा लें थोड़ी ट्यूशन पढ़ा लें थोड़ा शोर को बोलें घर ही लें लेकिन थोड़ा और बढ़ा लें क्योंकि बंदा ना ये घर है वो मोबाइल नहीं है कि हर साल चेंज कर लिया बंदा एक ही बार लेता है फिर वो बड़ा हिम्मत का काम होता है घर लेना किराए पे तो चलो फिर हम जैसे हम हर साल इधर उधर भटकते रहते हैं सुजुकी में माल डाला इधर निकल गए मगर जो घर लेने का डिसीशन है ना वो गले भी पड़ सकता है कहीं ऐसा आप, आपने ले लिया फिर वो मार्केट मार्केट ही डाउन उसकी वो ऊपर ही ना हो दस हज़ार मसले मसाइल हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो बढ़ा लें इसको ये ये जो है ना आपने जो चालीस लाख का फिगर दिया है साठ लाख का फिगर और जेवर अभी ना बेचें भाई जेवर संभाल के रखें भी आपके बच्चों ने बढ़ा होना है ये आपकी आखिरी आखिरी इन्वेस्टमेंट है जेवर एक बार बिकता है दोबारा नहीं बनता ऐसा ही है एक बार बिक गया ना जेवर नहीं बनता दोबारा ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ना कीजिएगा अपनी इनकम बढ़ाएं इनकम पे जोर दें इन और घर की तरफ देखें थोड़ा सा सह लें अभी मैं आपको यही मशवरा दूंगा और जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉनिक सोशली एंक्श पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान I hope you're doing well and you hope you're swell. I'm ABC 21 year old currently pursuing BS physics from a university in Pakistan. After almost three years of watching you on YouTube, I finally mustered up the will to open up to you. Thank you. Multiple times in your Ask Ganji Swag series, you've mentioned that you used to be a very shy person. Then one day you decided not to be shy anymore. How one manages this is beyond my understanding and I can understand black holes. नॉट दिस स्टेटमेंट ऑफ यूअर्स सो बेसिकली आई एम स्टिल अ वेरी शाई पर्सन यू कैन कॉल मी सोशली ऑकवर्ड इफ यू सी मी एट इवेंट्स मैं कोने पर खड़ा होता हूँ मैं ज़्यादा मिंगल नहीं कर रहा होता इंट्रोवर्ड बट जब कैमरा खुलता है तो फिर मैं सोचता हूँ मैं अकेला हूँ या ना कोई नहीं इस वक्त इस कमरे में चार लोग हैं बट मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूँ और मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई एम लाइक मैंने उनको स्विच ऑफ कर दिया दे डोंट एग्जिस्ट जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उनकी जजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती जब उनकी जजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती नथिंग अफेक्ट्स मी एनी मोर राइट सम बैकग्राउंड बिफोर आई गेट टू माई क्वेश्चन ऑल माई लाइफ आई वोज अ वेरी साइंटिफिकली क्यूरियस चाइल्ड द काइंड ऑफ किड हु हुबल एंड रीअसेंबल एवरी टॉय इन माई पोजिशन अनेबल टू रेस्ट अंटिल आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट द फंक्शन ऑफ एवरी बटन ऑन द माइक्रोवेव वॉज दैट इज ब्रिलियंट मुझे आज तक माइक्रोवेव समझ नहीं आया द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ इज दैट आई हैव अ लस्ट फॉर नॉलेज नॉट इन अ किंकी वे That's just uh, my feeling is more than a need or a want. Throughout my early age, up to 12 years old, I was that problematic child in class and family due to which I had zero friends. At 13 years of age, we got an internet connection, and where every other kid was using Facebook and YouTube, I was surfacing 4chan, Reddit, etc. Throughout my teens, I had no friends, but I had a wealth of information within me, which led to me developing a superiority complex. As soon as I entered university, this turned out to be a very problematic for me. Three years into my degree, technically two, because one year was uh, chalked up to COVID, I spent most of my days holed up in my hostel room. Most of my hostel mates uh, are also classmates, so I do have a social circle, but I rarely go anywhere with them. Considering that I hail from a lower middle class family from Lahore, getting to into this university on scholarship was my primary concern for one and one reason only. This university offers free counseling and psychological therapy to its students. My therapist helped me to understand that I'm on the autistic spectrum, and the superiority complex actually stems from a chronic social anxiety disorder. So, Janet, by the question is this: a 21-year-old who has, who only has three people in his life whom he can tell, call his best friends, speaking in a passive voice here. How do I decide to be more open to people? Because of COVID, I didn't have regular therapy sessions for almost 18 months. And now the therapist I was visiting has left the university to pursue her PhD. I'm extremely hesitant to go to a new therapist and redo the entire work I did uh, with the previous therapist. And from the narcissist within me, you're one of the few people in Pakistan whom I consider to be my equal on the basis of accumulation accumulation of knowledge and observational skills. Thank you so much. If you consider me as someone who's uh, at the same level, because uh, my black holes जो नॉलेज है वो इतनी खास नहीं है ब्लैक होल्स की बहुत ज़्यादा बट दैट्स नॉट वी डिस्कसिंग टूडे एनी वे सो ओके देखिए दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लीव अप टू द थेरेपिस्ट एंड अ प्रोफेशनल बिकॉज ये वो एरिया है जिसपे मेरी ना कोई एक्सपर्टीज़ है और ना ही मैं कोई हाफ बेक्ड आंसर देना चाहूँगा हाउ एवर वु आई वुड रियली सजेस्ट इज़ टू डेफिनेटली सीक थेरेपी क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी योर सेल्वेशन और uh, मैं सबको रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ एंड आई ओपनली एडमिटेड के आई ऑल्सो सीक वन एंड इट हैज चेंज माई लाइफ एंड इट इज़ द बेस्ट प्लेस वेर आई स्पेंड माई मनी ऑन ये मैंने बहुत सारी एपिसोड्स में कहा है मैं इस बार भी कह रहा हूँ आई हैव वन सेशन टू मोरो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो बेसिकली होता ये है कि माई थेरेपिस्ट इज़ नॉट वेरी रेगुलर आई थिंक मैंने कभी उनसे रीज़न नहीं पूछा मैं सिर्फ ये पूछता हूँ इफ शी इज़ अवेलेबल और फिर कभी मेरी ट्रैवलिंग कभी उनकी ट्रैवलिंग मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो पिछले चार महीने में हम दो सेशन ही कर पाए एंड दिस लाइक अ लॉट इट्स गोइंग ऑन दैट आई रियली नीड टू वेंट आउट तो कल आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट्स द ओनली थिंग दैट आई रियली आंशसलीक फॉरवर्ड टू बिकॉज इट हेल्प्स मी और एक बड़ा अ प्रॉब्लम शेयर इज़ अ प्रॉब्लम हाफड एंड ऑब्वियसली एक एक, uh, एक uh, एक इंसान जिसकी अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की जिसका काम ही यही है तो वो वहाँ से जो एक चीज़ सुनने को मिलती है और एक मशवरा मिलता है दैट दैट ऑबियसली हेल्प्स सोशल एंगजाइटी ठीक है वो मुझे भी है अभी तक है और आई आई वुड नॉट आई एल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बहुत सारे इवेंट्स पे मैं सोच रहा होता हूँ अगर जैसे इफ़ आई एम इन्वाइटेड टू तो एन इवेंट मैं आखिर वक्त तक वेट कर रहा होता हूँ कि कहीं बम फट जाए या जनरेटर में आग लग जाए या अगर किसी होटल में है ना तो अगर जनरेटर में आग लग जाए मुझे मिलना ना पड़े किसी लाइक टू दैट पॉइंट कभी कभी मैं सोच रहा हूँ ऑब्वियसली आई नेवर लेट इट शो ये कभी सामने नहीं आता अनइजीनेस इज़ नेवर देयर ऑन माई फेस आई 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 थिंक आई कैन एक्ट वेरी कॉन्फिडेंट इफ़ आई वॉन्ट टू तो वो चीज़ मैं मास्किंग वगैरह कर लेता हूँ बट डीप डाउन थोड़ा सा इस तरह का चल रहा होता है ऑबवियसली आई एम लाइक कंसल्टिंग बट मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहता ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ यू आर ऑन द सेम लेवल तो आई डोंग वे वु से अगेन ऑर्टिज़म स्पेक्ट्रम दैट इज़ सम अगेन इसमें मेरी कोई खातिर खा ना नॉलेज है ना ये कि um, कोई एक्सपर्टीज़ हैं um, recently there was a concern raised about my son from his nursery के he might be on the spectrum um, वो हमें सुनने में थोड़ा सा वो लगता है but then autistic kids are geniuses as well Elon is autistic uh, Einstein was autistic Um, I think that pretty much explains uh, उसकी nursery ने जो बोला के like he doesn't respond to his name ये तो खैर हम भी बड़ा इसे-इसे note कर रहे थे बट नाउ द कंसर्न इज़ रेज फ्राम अ प्रोफेशनल तो वे आर ऑब्वियसली लुकिंग इन टू डिफरेंट ऑप्शन ऑब्जर्वेशन थेरेपी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अब ऑब्वियसली वो अर्ली इंटरवेंशन जितनी है जल्दी हो ये मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ हु माइड बी फेस गोइंग थ्रू द सेम बिकॉज आई जस्ट हैड अ फ्रेंड शूटिंग से पहले उसकी बेटी के साथ भी ये एग्जैक्टली exactly सेम हो रहा है दो साल की हो गई चीट ड स्पीक और डजेंट स्पीक मच एंड डट रिस्पॉन्ड टू हर नेम और कानों को हाथ लगाना पॉइंट आउट ना करना या आके कोई रिक्वेस्ट नहीं करना सो so, ये वाले साइंस होते हैं um, तो जितनी अर्ली इंटरवेंशन हो ये मैं उन पेरेंट्स से कह रहा हूँ हु माइट हैव अ किड हु जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हो तो अर्ली इंटरवेंशन अर्ली ऑब्जर्वेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है ऑब्वियसली बेटा यू टोट यू वन तो अगेन नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑब्वियसली थिंग्स कैन बी इंटरवीन और बस अपने अंदर से ये चीज़ ओड आई वुड से कि अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आएँ जितनी ला सकते हैं आ, ये बात मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त नितिन मिरानी ने कही थी मैं उनसे पहली बार मिला था ही वॉज़ सम वन यूज आई स्टिल लुक अप टू तो जब मैं दुबई में, में मेरा पहली परफॉर्मेंस थी आ, नौकरी ढूंढने गया था कॉमेडी शो कर रहा था तो ही वॉज़ देयर इन दी ऑडियंस एंड नितिन मिरानी उस वक्त ही वॉज ई स्टिल इज यूज़ बिगेस्ट कमीडियन तो ही सैट डाउन विद मी अपने दोस्तों को छोड़ के एंड ही रियली इंजॉयड माई सेट एंड उन्होंने मुझे यही बात बोली और मेरी बात मैंने पकड़ ली अपने पास से वो ये कि हमेशा ज़मीन पे रहना क्योंकि जो आदमी ज़मीन पे होता है उसको गिरने का डर नहीं होता सो ऑलवेज स्टे हम्बल तो वो बहुत आपको ग्राउंडेड रखती है चीज़ें एंड वंस यू वंस यू वंस यू ओपन द डोर ऑफ सीकिंग मोर एंड मोर नॉलेज एंड नॉट बिलीविंग यू नो इट ऑल तो तो वो फिर आप और सीखते हो अगर मैंने ये बोलना सीख लिया कि यार आई एम आई एम द बीकन of all that is knowing तो वो तो फिर एक godly god complex हो जाती ना तो फिर I will shun every voice and every sane voice that might be coming towards me because मुझे एक superiority complex है तो मैं personally क्या करता हूँ मैं हमेशा I I keep myself open to all sorts of uh, opinions ताकि एक उससे मेरी learning हो क्योंकि बहुत सारी चीजें हम learn करते हैं बहुत सारी चीजें हमें unlearn करनी होती है relearn करनी होती है तो वहाँ पर हमल रेली रेली ग्राउंड यू एंड इट ओपन्ज मोर डोर्स फॉर यू जहाँ पे इफ़ यू शो साइंस ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स और सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो फिर लाइक पीपल टेंट टूट स्टे अवे फ्राम यू एंड इट्स नॉट नाइस दैट के यू रोन हैव अ सर्कल क्योंकि देखो इंसान जो है ना उसकी जो नीड है ना वो फिजोलॉजिकल नीड के बाद उसकी नीड सोशल है you need a friend, you need a partner, you need people around, you need family. it's very important. i'll manage it on my own. but as you <laughs> grow older, you really need people around you. in basic need. i think one of the greatest reasons that a lot of people are falling into depression is because some jati phone in the phone and there's no human interaction. there's like no eye contact anymore. there is like.

द मोर पीपल यू कैम अक्रॉस द मोर यू लर्न बिल नाए द साइंस गाए आई मीन आई एम श्योर यू नो हेम वो यही कहते ना कि हु एवर यू मीट नो समेट यू डोंट सो अगर आपने ये बांध ली अपने पल्ले से पल्लू से कि आर एंड इफ यू लाइक रियली नॉलेज सीकर यू विल ओपन अप योर सेल्फ दैट वे के बिकॉज आई एम अ नॉलेज सीकर मैं मुझे तो सत्रह साल के बच्चे हैं अली याद है सत्रह साल के बच्चे हम वन एफ टी सिखा रहे थे हमें बैठ के दुबई में आई ओपन मैं ठीक है भाई नई जनरेशन ने सिखा मुझे सो so, मैं तो हमेशा इसको इस तरह रखता हूँ दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजनस ऑफ माई सक्सेस वट एवर डेट आई हैव ऑफ इट तो इफ़ यू इफ़ यू इफ़ यू लुक अप टू मी एंड इफ यू रिस्पेक्ट मी एंड इफ यू कंसिडर मी एज योर ब्रदर दिस वोट आई वुड सजेस्ट यू कि थेरेपी तो जरूर जरूर ट्राई करें ठीक है इट कुड बी वेरी कम्बरसम कि आपका एक से रिलेशनशिप है उसको पूरी जिंदगी सुनाई है एंड देन फिर अब नए पे जाना है और फिर उसको पूरा रिकैप देना है थोड़ा सा कम्बरसम लगता है लेकिन ये करना तो है क्योंकि एट एंड ऑफ द डे इसकी बेनिफिशरी आप ही हैं तो डू इट फॉर योर सेल्फ एंड ओपन योर सेल्फ आप एंड ये सोचना छोड़ दें कि यू नो इट ऑल एंड स्टार्ट सीकिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर बिकॉज लाइक आई सेट एवरी वन यू कम अक्रॉस नो समथिंग दैट यू डोंट फाइंड दैट समथिंग एंड इट विल ब्रिंग यू डाउन नॉट इन अ बैड वे बट लाइक ग्राउंडेड गुड लक आर एट नेक्स्ट वन बींग एन एडवेंचर फोटोग्राफर सामकम सर माई नेम इज ए बी सी आई एम अ बी कॉम ऑनर्स फिफ्थ सेमिस्टर स्टूडेंट I have a passion of adventure photography, traveling, writing stories, and I want to pursue my dream of working for National Geographic, but I need a guideline. I was the first one to reach university in my family. I have joined my university media cell, but it's very mediocre and they're not doing journalism. It's more of a chaplosy and or old 1600s expired content, which is such a waste of time and not even let me uh, change it. But I don't have any other medium to learn and I have to do this. इफ़ एनी वन वॉन्ट मी टू वर्क फॉर देम आई कैन वर्क फॉर फ्री टू लर्न आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइड मी टू परसू माई ड्रीम ऑफ बींग एन एडवेंचर फोटोग्राफर दैट इज़ अ व वेरी रेयर फील्ड और नैशनल uh, जोग्राफिक में इतने हमारे यहाँ से लोग नहीं जा पाते अगर जाते भी हैं तो नो बडी नथिंग नोटेबल दैट वी कम अक्रॉस आई एम श्योर देर आर मैनी हम रिसेंटली किसी से मिले थे और उन्होंने किसी के बारे में बताया था कि कराची में एक अंकल है इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी एंड ही इज़ ऑल्सो अ बर्ड वाचर तो वो क्या करते हैं हर वीकेंड पर अपनी जीप निकालते हैं और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाक़ों में चले जाते हैं और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो उन अंकल के बारे में हमें पता चला आई वुड लव टू हैव एम ऑन द पॉडकास्ट इन शाह तो पता चला कि जी वो इतने सालों से अकेले ही स्टडी कर रहे हैं नॉट गवर्नमेंट फंडेड अपनी नौकरी से जो थोड़ा बहुत बचाते हैं वो कैमरे और लेंसेज पर उड़ा देते हैं और जीप की मैंटेनेंस करते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी उनके पास ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं एंड ही हैज़ सच ए वास्ट नॉलेज ऑफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एंड मतलब उनको माइग्रेशन पैटर्नस पूरे पता है कौन सा कब कितने आते थे अब कितने कम हो गए हैं कौन सी नस्ल अब नहीं दिखती है लाइक द काइंड ऑफ स्टोरीज़ और ये सेकेंड हैंड स्टोरीज़ में सुन रहा था किसी और से तो इमेजन अगर वो सामने होते तो वो कितनी ही फैसिनेटिंग होती तो अगेन वो लाइक ए सेट सेल्फ फंडेड है खुद कर रहे हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अब ऑब्वियसली देखो नेशनल जोग्राफिक तो अब हमारे केबल पर आता भी नहीं है पहले फिर आता था थोड़ा बच्चे इंस्पायर हो जाते थे मगर वो नेशनल जोग्राफिक हो गया एनिमल प्लानट हो गया और डिस्कवरी चैनल जो कि पहले ही पैंसठवें नंबर पर आता था मगर चूँकि वो हिंदी में आता था तो वो अब हिंदू हो गया तो जब चूँकि वो हिंदू हो गया तो वो केबल पर नहीं आता अब केबल पर क्या आता है आपके साठ पैंसठवें चैनल पर आप देख लो तो यही है तो इन चीज़ों से लोग इंस्पायर होते हैं तो हमने इंस्पिरेशन ही ख़त्म कर दी तो पहले होता था ना ऐसा ही है ना भाई बोर होते थे एयर एयरलाइन क्रैशेस देख रहे हैं ना बैठ के कि कौन कौन से क्रैश की आ, आ, ये थी या फिर जो है आ, मरीन वाइल्ड लाइफ के ऊपर देख रहे हैं या डिस्कवरी चैनल पे मिथ बस्टर देख रहे हैं यार हमने तो अपना ट्वेंटीज़ मिस मिथ बस्टर को ही दे दिया क्या क्या हम शोज़ नहीं उस पर देखते थे बट उन उन सब उन चैनल से इंस्पिरेशन पैदा होती थी अब आप ये देखिए कितना तमीज़ से इस मुल्क से इंस्पिरेशन ही खत्म कर दी गई कि यहाँ के बच्चे इंस्पायर ही ना हो कुछ नहीं आता साइंस का एक रह दे के वो नेशनल जोग्राफिक वाले देते और हिंदी में आता था समझ भी आता था अब वो भी नहीं आता क्योंकि नेशनल जोग्राफिक हिंदू हो गया है तो अब ऐसे मुल्क में जहाँ दस साल पंद्रह साल मतलब जो बच्चा दो में पैदा हुआ है उसने कभी नेशनल जोग्राफिक देखा ही नहीं है उसको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है इट्स नॉट लाइक कि आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर रहे हो मिथ बस्टर यूर नॉट डूइंग दैट आई नो वट यू यूर डूइंग तो क्या ही वो बच्चा इंस्पायर हो जाएगा ना खुद हम बनाते हैं जो दूसरे बनाते हैं वो हम चलाने नहीं देते ये 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 सबसे बड़ी दुश्मनी है इस मुल्क की और सबसे बड़ा बैड लक है हमारे साथ बच्चे इंस्पायर नहीं हो रहे फिर बच्चों को जो मिल रहा है वो वो देख के इंस्पायर हो रहे हैं मुँह से कुल्लियाँ कर रहे हैं टिकटॉक पे फेरी ऑल पारक चले जाओ एहद पानी वाले का क्या टैलेंट एहद पानी वाले का टैलेंट देख रहे हैं वहाँ पर देखो ना यही होता है अब आप क्या ही समझा लोगे अपने टीचर को कि मैं नेशनल जोग्राफिक का एडवेंचर फोटोग्राफर बनना है बोलेगा ये क्या होता है बोलेगा वेडिंग फोटोग्राफ़र बन जा क्योंकि वेडिंग ही होती है यहाँ पे और होता ही क्या है ये कर ले उसमें स्कोप है ये क्या तू जाके वो ढूंढेगा छुपकलियाँ लाल पीली नीली कलर की राजस्थान के उसमें सेहरा में या नगर पार्कर में जाएगा जहाँ से तू पानी पिएगा कुत्ता भी वहीं से पानी पिएगा वहाँ क्या करेगा भाई तू उधर वेडिंग कर हैं वे इतने सारे माशा अस्करी नंबर और ये सारे वेडिंग हॉल क्यों खोले हमने हम यहाँ क्या करने हैं अगर शादी करनी नहीं है तो क्या करने है इतने सारे बैनकूड खुले में वहाँ जाके तू कर भाई मैडम ज़रा यूं कर लें भाभी भाभी ज़रा स्माइल ये एडवेंचर फोटोग्राफी कर भाई तू कहाँ तू जानवरों में घुस रहा है अरे <laughs> जानवर जो हुआ हुआ है ना दूल्हा उसकी फ़ोटोग्राफी कर वो जानवर होता है वो देख रहा होता है कि बस जल्दी से घर जाऊं मैं भाई दुल्हन को लाल कपड़ा क्यों पहनाते हैं ताकि वो जो भाई वो वो देखिए ना वो स्पेन, स्पेनिश वो बुल फाइटिंग लाल कपड़ा दिखाते हैं वो बुल पागल हो जाता है दूल्हे को लाल दिखा के पागल करते हैं ऊपर से दूध दुलारी पिला देते हैं तो पागल हो जाता है अबे ये एडवेंचर कर ये वाला एडवेंचर कर भाई तू छोड़ क्या खल्ली वल्ली नेशनल जोग्राफिक पे तू जाके तड़ा लेंस लेके बैठा होगा कैमो फ्लाज पहन के छिपकली घुस जाएगी पैंट के अंदर तेरी दो छुपकलियाँ हो जाएंगी अंदर किसको मारेगा आता तो एरी रही टी वी भाई क्या करेगा अबे छोड़ भाई नेशनल जोग्राफिक वेडिंग फोटोग्राफी कर छोड़ शाहबाज तुझे बड़ा वाला कैमरा हम दिला देते हैं हैं भाई और नैन लाइट ये वाली ए साहब भाई नैन लाइट दे रहे थे नैनो की तेरे मस मस दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन एक्टिव पैसिव मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस मज़ दो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये करना है सीन भाई ये लाइफ है ये एडवेंचर है ये एडवेंचर कर छोड़ इसको बट ऑल जोक्स असाइड अब भाई जो करना है बेटा खुद करना है इधर ना वो वसाइल हैं इधर से मसाइल हैं जो करना है खुद पैदा करना है पैशन करो फोटोग्राफी का शौक है जेनवनली बता रहा हूँ वाकई वेडिंग फोटोग्राफी करो उसी से पैसा बनेगा उस पैसे से इक्विपमेंट लो बड़ा वाला लो नेशनल जोग्राफी की वेबसाइट पर जाओ उस पर काफ़ी इनके वो आती हैं स्कॉलरशिप्स और काफ़ी उनके कॉन्टेस्ट भी आते हैं बेस्ट फोटोग्राफ़ी या बेस्ट दिस बेस्ट दैट उसमें इफ़ यू विन वो नाइकॉन का कैमरा भाई बड़ा ज़बरदस्त वाला है भाई फुल ये लंबे लेंस वाले नाइकॉन के हाँ एल सीरीज और ये सारी चीज़ें ये गिफ्ट मिलते हैं इनके पेज वेज फॉलो करें इनका इंस्टा फॉलो करें सी वॉट देर अप टू और उनको डायरेक्ट अप्लाई करें डीएम मार दें डीएम में घुस जाएँ डायरेक्ट घुस जाएँ लिंकटिन पे पहुंच जाएँ देखें डायरेक्टर कौन है फलाने शो का उसके डीएम में चले जाएँ ये देख मैं भी यही करता हूँ फोटोग्राफर को देखें अबे लिंकटिन का लिंकटिन इतनी बड़ी दुनिया है तुम लिंकटिन पे रिश्ते ढूंढ रहे हो लिंकटिन पे भाई सारी गेम होनी है ढूंढ लो इनको प्रोड्यूसर कहाँ बैठा हुआ है एडिटर कहाँ बैठा हुआ है ये कहाँ बैठा हुआ है सारी गेम वा की है सो अपने आप को बेटा खुद ही करना है जो भी करना है मीडिया सेल जो है ना उसमें उसकी सेल की बैटरियाँ ख़त्म हैं हमारे जो हमारा वो था ना क्यूट जो था वो भी मीडिया का स्टूडेंट था तारे नहीं जोड़नी आती थी अब है खली वल्ली यहाँ का मीडिया ऐसा ही है जैसा मीडिया टीवी पे वही मीडिया स्टूडेंट है क्या ही होगा तू बता जो ये स्टूडेंट जाके मीडिया में जा रहे हैं वो मीडिया क्या है मतलब सास बहू से चक्कर नहीं से, क्या सुसर का बहू से चक्कर देव अच्छा अबे वो कब बताया वो हेरा मानी का कोई ड्रामा आ रहा है पचास एपिसोड आ गई है उसमें रोज़ क्या बात होती है खाना कौन लगाएगा खाना कब बनाया ऑफिस से आते हुए मुझे वहाँ ले जाइएगा अभी यही हो रहा है पचास एपिसोड से यही हो रहा है ये दिमाग है तो मीडिया स्टूडेंट क्या ही कर लेगा टी वी जाके जब मीडिया पर चली ये रहा है अल्ली वल्ली यार तो बेटा जो करना है अपने बलबूते पर करना है और बेहतरीन काम करना है नंबर वन काम करना है थैंक यू और भाई तो ये थी आज की एपिसोड बहुत सारे सवाल हैं ज़ाहिर है इज़ लाइक सो मच बैकलॉग और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना रेगुलरली ये कर सकें ताकि बैकलॉग कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे सके आई होप यू जॉइन ये एपिसोड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन पेट्रॉट कॉम सर्च गंजी फैक्ट एंड ऑल्सो यू कैन डू ईजी पैसा एंड जेज कैश हल्ली वली भर दें ताकि माइक और ये सारी लाइटें वाइटें और टाइट हो जाएँ पॉडकास्ट रूम बनना है इन अगली बार शायद अगर वो रेडी हो जाए तो वहाँ से मिलेंगे तब तक के लिए खुदाफि